हाय दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभय कुमार भारती फ्रॉम नॉलेज कॉलेज। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैनन XA11 का बटन्स और उसके फंक्शन और उसके मेन्यूज़ के बारे में। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जस्ट उसको मैं बटन्स का बारे में उसका काम किया वो मैं आपको बता दूंगा, और फर्दर मैं छोटा छोटा वीडियो लाने वाला हूँ पर्टिकुलर XA11 के बारे में, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी आपको सेटिंग्स करने में, आपको टेक्निकल उसका जानने में। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो पहले देख लीजिए, ये पहले जो कैमरा है ये ऑफ में है, तो अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने से आप सो देखिए ये ऑन हो गया, और वही सेम चीज़ है ऑफ दिया हुआ है, और उसके पास में एक है ऑप्शन मीडिया। अगर मीडिया में जाते हैं तो मीडिया का मतलब ये होता है कि जो आपका फाइल रिकॉर्ड किए हैं या जो वीडियोस या जो फोटोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो देखने के लिए आप चाहते हैं तो आप मीडिया में आके देख सकते हैं। इस कैमरा का मोड्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसमें तीन मोड्स दिया हुआ है, एक है ऑटो जो ऑटोमेटिक पूरा आपका कैमरा सब काम करेगा डिपेंड्स ऑन एम्बियंस लाइट, और एक है मैनुअल, मैनुअली पूरा आप कंट्रोल कर सकते हैं शटर स्पीड अपर्चर आई, इसमें बहुत सारे फंक्शन भी दिया हुआ है जो हम देखेंगे। उसके बाद है सिनेमा। सिनेमा में क्या है, इसमें आपको कुछ फिल्टर्स दिया हुआ है सिनेमा का, जो आप इसको यूज़ करके आप देख सकते हैं। इस कैमकॉर्डर में आपको दो SD कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है A और B, और इस जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम मेनू में जाते हैं तो इसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए तीन ऑप्शन आपको दिया रहेगा, स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग जो एक कार्ड में नॉर्मल रिकॉर्डिंग होगा, उसके बाद है डुअल रिकॉर्डिंग, और उसके बाद है रिले रिकॉर्डिंग। डुअल रिकॉर्डिंग में दोनों कार्ड में ही रिकॉर्ड होगा, दोनों कार्ड में सेम फाइल रिकॉर्ड होगा। और रिले रिकॉर्डिंग जब एक मेमोरी कार्ड फुल हो जाता है ऑटोमेटिक ये दूसरे मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, दैट इज रिले रिकॉर्डिंग। और ये देखिए ये जो बटन दिया ऑटो फोकस ऑब्लिक मैनुअल फोकस, तो ये बटन अगर एक बार टच करते हैं तो एक मैनुअल फोकस में चल जाएगा, और अगर एक बार प्रेस करते हैं तो ऑटो फोकस में आ जाएगा। तो एक बटन से आप दोनों ही काम कर सकते हैं। जब मैनुअल फोकस में करेंगे तो आपको ये जो रिंग है, रिंग को जब आप रोटेट करेंगे तो आप फोकसिंग कर पाएंगे। उसके बाद देखिए और प्री रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया, इसका मतलब ये होता है जब आप प्रेस इसको करते हैं तो देखिएगा एक 3 करके इधर ऑप्शन आ गया और ये रनिंग हो गया, और उसी समय अगर आप रिकॉर्डिंग ऑप्शन को प्रेस करते हैं 3 सेकेंड पहले ये कैमरा रिकॉर्ड करेगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आप जो फुटेज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो आपको समझ में आएगा ये फुटेज कहाँ से लिया गया है, और जैसे इसको प्रेस करते हैं ये बंद हो जाएगा। ये जो बटन्स देख रहे हैं ये एक फोकस और जूम लिखा हुआ है, जब आप फोकस में करोगे तो ये जो आप रोटेट बटन रोटेट देख रहे हो, जो रिंग देख रहे हो, इससे आप मैनुअल फोकस कर पाओगे, ठीक है। और जब आप इसको जूम में रखते हो तो यही बटन से हम लोग जूम कर सकते हैं। तो ये बटन जस्ट आपको अगर ऊपर कर देंगे तो फोकस का काम, मैनुअल फोकस का काम करेगा, और सेम जैसे नीचे रख देते हैं तो ये मैनुअल जूम का काम करेगा। चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं एजाइन बटन। जैसे देखिए यहाँ 1, 2 ये जो प्रीसेट बटन दिया हुआ है, उसके साथ साथ इधर 3, 4 और 1, 5 नंबर, ये एजाइन बटन दिया हुआ है, जिससे आप अपने हिसाब से आप इस बटन का काम को कस्टमाइज कर पाएंगे, मतलब एजाइन कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। मेनू में जाते हैं, मेनू में जाके आप सेटिंग्स में आइए, सेटिंग्स में आके आप इधर आ आइए, इधर देखिए लिखा रहेगा एजाइन बटन 1 जो प्रीसेट है, एजाइन बटन 2, एजाइन बटन 3 ऑफ दिया हुआ है, तो इसको हम चाहते हैं कि कुछ एजाइन करे। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि वाइट बैलेंस में एजाइन करे,
तो अगर हम क्या करते हैं, अगर वही जस्ट 3 नंबर हम प्रेस करेंगे तो ये वाइट बैलेंस में चल जाएगा, जैसे देखिए वाइट बैलेंस में चल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको असाइन भी कर सकते हैं इस बटन को। कैमरा में इंफ्रारेड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इंफ्रारेड ऑफ ऑन कर सकते हैं, जिससे अगर फॉर एग्जांपल एकदम अंधेरा है, अगर आपके रूम में कोई लाइट नहीं, आप चाह रहे हैं कुछ वीडियो शूट करें, तो उस जगह भी आप इसको शूट कर सकते हैं, आपको इंफ्रारेड ऑन करना पड़ेगा। और इसमें कलर का भी ऑप्शन है, इसमें ब्लैक एंड वाइट है और आपका ग्रीन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो उसको हम लोग कैसे कर, फंक्शन में जाएंगे, मेनू में जाएंगे और इधर हम लोग आएंगे इंफ्रारेड कलर, इसको वाइट या ग्रीन आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वाइट मतलब ब्लैक एंड वाइट आएगा और ग्रीन मतलब ग्रीनिश आएगा, और इसको आप इंफ्रारेड लाइट को आपको ऑन कर लेना पड़ेगा। इधर आप देख सकते हैं एक बैटरी प्लस इन्फो बटन है, इसका मतलब ये होता है जैसे प्रेस करेंगे तो ये पूरा आपके जो इन्फो में कुछ नहीं आएगा, और जैसे प्रेस करेंगे तो बैटरी का ऑप्शन भी आ जाएगा कि इसमें बैटरी में आपका कितना चार्ज है। तो ये आपके पास इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो पता कर सकते हैं इसमें कितना चार्ज है, कितना देर तक आपको चार्ज रहेगा। देख सकते हैं इधर ऑप्शन दिया हुआ स्टार्ट स्टॉप, मतलब रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ का स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग को। और ये है अप एंड डाउन का बटन दिया हुआ है, जिससे और आप इसको ओके सेट करने से आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी फाइल चूज़ करना चाहते हैं, जैसे देखिए फंक्शन बटन अगर हम इधर प्रेस करते हैं, सेम बटन इधर भी दिया हुआ, आप फंक्शन बटन इधर प्रेस करके भी सेम जगह जा सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कुछ अप डाउन जाने के लिए, हम अप डाउन जा सकते हैं, देखिए ठीक है, इस अप डाउन जा सकते हैं। और हम चाहते हैं कि कोई किसी को प्रेस बने ओके करें, मैंने ओके करे तो ओके भी कर सकते हैं। तो आपका बटन का भी काम दिया हुआ है, टच स्क्रीन भी दिया हुआ है जिसके साथ आप टच के थ्रू आप काम भी कर सकते हैं। यह है जूम बटन, जूम लीवर बटन, जब आप ग्रिप करते हो तो उस समय आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस जूम से जूम को आप फास्ट, स्लो और नॉर्मल भी कर सकते हो। हैंडल रॉकर जूम है, इसे आप स्मूथ जूम कर सकते हो और इसका जूम का स्पीड भी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा आप कर सकते हो। प्लस ये हैंडल रॉकर स्टार्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग दिया हुआ है, और जिसको आप लॉक भी कर सकते हो, क्या जैसे आप एंगल शॉट ले रहे हो उस समय आपका हाथ ना इसमें पड़ जाए, तो आप इसको लॉक कर देने से ये प्रेस नहीं होगा। चलिए इसके पोर्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये एक हेडफोन के लिए दिया हुआ है, ये माइक के लिए दिया हुआ है, प्लस ये HDMI आउटपुट है और ये USB है, और ये रिमोट से आप रिमोटली आप इसको कैमरे को भी एक्सेस कर सकते हो विथ वायर। उसके बाद ये जो देख रहे हैं जो हैंडल में, ये XLR का इनपुट दिया हुआ है, जो प्रोफेशनल माइक बोलते हैं XLR का इनपुट दिया हुआ है, जिसको आप ये जो बटन्स है ये बटन से पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। आप साउंड को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। और ये सामने की तरफ देखिए, सामने की तरफ ये इंफ्रारेड का लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, और उसके बाद है ये लेंस है देखिए, और ये जो देख पा रहे हैं इससे ये कवर है, इसको कवर कर करते हैं ठीक। उसके बाद ये इधर है जो बैटरी का ऑप्शन दिया हुआ है, ये बैटरी का ऑप्शन है। इधर देखिए ये DC इन है, इससे आप डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो, और ये AV आउटपुट है। ये एक कस्टम बटन है, इस बटन से बहुत ही फास्ट एक्सेस करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आप ये, और एक ये रोटेशन बटन है। तो इसका काम कैसे है, फॉर एग्जांपल मैं आपको उसका काम भी आपको दिखा देता हूँ। जब आप इस तरह शूट करोगे तो क्या होता है, आपको अगर चेंजेस करना पड़ता है, अगर शटर स्पीड अपर्चर चेंजेस करना पड़ता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा एक फास्ट एक्सेस बटन दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टम बटन। इसको अगर हम प्रेस करते हैं, देखिए प्रेस करेंगे, प्रेस करने से हम इधर आप ऑप्शन है, इसमें शटर स्पीड अपर्चर को भी ला सकते हैं, मैनुअल को भी, मैनुअल एक्सपोजर को भी ला सकते हैं, जो आप हम काम करेंगे। इसको अगर हम प्रेस कर देते हैं, उसके पहले देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है, ऑटो गेन कंट्रोल और ये एक्सपोजर और ऑफ। तो हम क्या करेंगे, इसको मैनुअल में लाएंगे, मैनुअल में ला के
सेट कर देंगे। तो क्या है, जैसे हम अगर प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एक बार प्रेस करते हैं, जैसे एक बार प्रेस करेंगे तो आप इसे चेंजेस कर सकते हैं। ये मैं घुमा रहा हूँ, ये रोटेशन बटन को घुमा रहा हूँ, फिर सेम चीज आप ISO को चेंज कर सकते हैं। तो ये फास्ट एक्सेस करने के लिए बटन दिया हुआ है, जिसको आप कस्टमाइज करके बहुत ही फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं फंक्शन बटन में क्या क्या ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ रिकॉर्डिंग प्रोग्राम्स का आप टच के थ्रू भी आप कर सकते हैं। मैं इसको जो ये ऑप्शन मैंने आपको दिखाया है, इस ऑप्शन के थ्रू मैं अप डाउन कर रहा हूँ, इस ऑप्शन के थ्रू मैं अप डाउन कर रहा हूँ। जैसे पहला है रिकॉर्डिंग प्रोग्राम्स, रिकॉर्डिंग प्रोग्राम्स में आपको मिलेगा प्रोग्राम शटर्स प्रायोरिटी, अपर्चर प्रायोरिटी और मैनुअल एक्सपोजर, मैंने मैनुअली आप पूरा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और सिंस मोड्स मिलेगा, सिंस मोड्स में आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये इसको अभी हम लोग बैक करते हैं, अभी प्रोग्राम में रहने देते हैं, उसके बाद बैक करते हैं, फिर फंक्शन में आते हैं। तो फिर आपको उसके बाद वाइट बैलेंस का सेक्शन मिल जाएगा, उसके बाद आपको आपको बैक लाइटिंग ऑलवेज ऑन का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर ऑटो गेन कंट्रोल लिमिट का ऑप्शन मिलेगा, फिर फोकसिंग, इसमें आप पिकिंग भी कर सकते हो। जैसे इसको हम करते हैं, देखिए पिकिंग भी, पिकिंग का भी अपने हिसाब से कलर आप चूज़ कर सकते हो। फिर ये फोकसिंग का हुआ, उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सपोजर, आप अपने हिसाब से एक्सपोजर को भी कंट्रोल कर सकते हो। फिर ऑडियो सिंस, मैंने ऑडियो, अब ऑडियो का भी इसमें प्रीसेट ऑप्शन दिया हुआ, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जूम, आप टच, क्योंकि ये टच स्क्रीन है, आप टच के थ्रू भी आप जूम को आप कम और ज़्यादा कर सकते हो, देख रहे हैं। तो वो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, इसको बैक करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं माइक लेवल, माइक लेवल क्या, माइक का साउंड्स, साउंड आप यहाँ इंडिकेटर दे सक दिया हुआ है, ऑडियो लेवल इंडिकेटर दिया हुआ है, उसको भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद हम आते हैं, बैक करते हैं, और इसमें ऑप्शन है जो स्टेबल इमेज स्टेबलाइजर, ये 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजर है, जो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा डायनेमिक, इसमें रोल एक्सिस, वर्टिकल करेक्शन, हॉरिजेंटल करेक्शन, और वर्टिकल और हॉरिजेंटल आपको मिलेगा, ठीक। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ, तो इसमें ऑप्शन पूरा दिया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं इमेज इफेक्ट, इसमें बहुत सारा ऑप्शन, इसमें आपको अपने हिसाब से कलर का काम कर सकते हैं, और इसमें ऑन जैसे करते हैं लुक्स में आते हैं तो स्टैंडर्ड हाईलाइट प्रायोरिटी वाइट DR दिया हुआ है। उसके बाद आप कलर को कम और ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, मैंने कलर की विविडनेस और न्यूट्रल अप कर सकते हो, शार्पनेस ब्राइटनेस कंट्रास्ट को भी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। ये फ़ोटो का ऑप्शन देख रहे हैं, ये फ़ोटो का, ये फ़ोटो आप इसको अगर क्लिक करते हो तो फ़ोटो ऑटोमेटिक देख रहे हैं, ये जब जैसे ये ग्रीन हो जाता है, फ़ोटो क्लिक हो गया, तो अब देखने के लिए आप कैसे देखोगे, सेम मीडिया में जाके आप फ़ोटो में क्लिक करना पड़ेगा। मेनू में क्या क्या ऑप्शन इसमें मिलेगा आपको, तो मेनू में आते हैं फंक्शन, आप चाहे फंक्शन प्रेस करके मेनू में जाना पड़ेगा। तो इधर जो है पहला चैप्टर में डिजिटल जूम, सॉफ्ट जूम, जूम स्पीड लेबल, जूम रॉकेट स्पीड लेबल, हैंडल रॉकेट जूम स्पीड, हाई स्पीड जूम, ऑटो फोकस मोड, फोकस असिस्टेंस, फेस डिटेक्शन, ऑटो बैक लाइटिंग करेक्शन, ऑटो स्लो शटर, फ्लिकर रिडक्शन, ND फिल्टर्स, कन्वर्शन लेंस, ऑन स्क्रीन मार्कर्स, इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड रेड रिकॉर्डिंग कलर्स। फिर ये जब आप अपने माइक को कनेक्ट करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसमें दिया हुआ है चैप्टर 1 में। फिर चैप्टर 2 में आते हैं, जो इसमें मूवी फॉर्मेट में हम आपको दिखा, जो कंटेनर्स है AVC HD और MP4 फॉर्मेट में आप रिकॉर्ड करोगे। फिर रिकॉर्डिंग मोड में क्या MBPS दिया हुआ है, और इसमें आपको बता देगा क्या FPS में आप शूट करोगे। रिकॉर्डिंग मीडिया, किस कौन सा कार्ड में शूट कर रहे हो आपको दिखा देगा, आप रिकॉर्डिंग क्या करना, कौन से कार्ड में आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हो,
तो वो दिखा देगा, फिर डुअल रिकॉर्डिंग, फ्रेम रेट क्या फ्रेम रेट होना चाहिए वो भी दिखा देगा आपका। उसके बाद स्लो मोशन भी आप कर सकते हैं और इंटरवल शूटिंग भी जो फास्ट मोशन है, वीडियो स्नैपशॉट, टाइम कोड रनिंग, इनिशियल टाइम कोड, यूज़र बी टाइप, कलर्स बार्स, वन केज टोन, फाइल नंबरिंग, अवेलेबल स्पेस इन मेमोरी और इनिशियलाइज, मतलब ये फॉर्मेट। थर्ड चैप्टर में आते हैं, थर्ड चैप्टर में आपको मिलेगा लैंग्वेजेस, टाइम जोन सेट कर सकते हैं, डेट टाइम, व्यू असिस्टेंट, LCD ब्राइटनेस, LCD बैक लाइट, LCD मिरर इमेज, व्यू फाइंडर बैक लाइट, हेडफोन वॉल्यूम, नोटिफिकेशन साउंड्स, ऑडियो आउटपुट चैनल, मोनिटर डिले, टेली लैम्प, कस्टमाइज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, आप अपने बटन्स को असाइन कर सकते हैं, 5 बटन्स दिया हुआ है, पावर डायल्स, सेट वाइट बैलेंस प्रायोरिटी, फोकस रिंग का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, फोकस रिंग का रिस्पॉन्स चेंज कर सकते हैं, फोकस प्रीसेट स्पीड, बैटरी इन्फो, रिकॉर्ड कमांड, HDMI आउटपुट, HDMI टाइम कोड, HDMI स्टेटस, आउटपुट ऑन स्क्रीन मार्कर जो ग्रिड का काम करता है, डिस्टेंस यूनिट्स, मैंने मतलब इसको आप किस में मेजर करना चाहते हैं, फिर बैकअप मेनू सेटिंग्स, फिर सर्टिफिकेशन लोगो डिस्प्ले और रिसेट ऑल। तो ये मेनू में ऑप्शन है, हम लोग जितने भी ऑप्शन है सबका हम एक वीडियो लाएंगे, जो वीडियो को छोटा छोटा वीडियो हम आपको एक टॉपिक के ऊपर लाके हम आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं XA11 के ऊपर और बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस लाऊंगा जिससे आपको बहुत ही हेल्प होगा, बहुत कुछ छोटा छोटा जो सेटिंग्स होता है वो सेटिंग्स के ऊपर हम लोग वीडियो लाएंगे। इसके पहले मैं XA11 के ऊपर 2 वीडियो दिया हूँ, वो 2 वीडियो आप काइंडली देख सकते हैं। पहला वीडियो है वो एक ओवरव्यू है, दूसरा जो वीडियो है कि मैं 7 रीज़न बताया हूँ जो 7 रीज़न साबित करता है कि XA11 आपका बेस्ट कैमकॉर्डर है।